हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन को कैसे कम कर सकते हैं और कम अमाउंट में हम ऑप्शन को कैसे सेल कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप ज़रा भी मत कीजिएगा, क्या पता आप इसमें क्या चीज़ मिस कर जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना होगा ऑर्डर में, और ऑर्डर में एक हमें ऑप्शन मिलता है बास्केट्स। तो हमें यहाँ पे एक बास्केट्स क्रिएट करनी होती है। मैं कर लेता हूँ, जैसे कि हम कुछ भी यहाँ पे नाम सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने कर लिया यहाँ पे एडवेंचर्स ट्रेडर और मैंने इसको सेव कर दिया। तो मैंने ये एडवेंचर्स ट्रेडर्स के नाम की एक यहाँ पे बास्केट क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्राइक प्राइस निकाल देते हैं, तो 37,300 की कॉल। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 37,300 की कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मार्जिन हमें 1,48,000 अपने डीमेट अकाउंट में होना चाहिए, तब जाके हम इसको सेल कर पाएंगे। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमें 1,48,000 रिक्वायर मार्जिन मांग रहा है और 1,46,000 समथिंग फाइनल मार्जिन मांग रहा है। तो अब हम इस मार्जिन को कम करने के लिए जो ट्रिक अपना रहे हैं वो देखिए। और अब तो हमने ये सेल कर दी, और अब हमें यहाँ पे एक दूर की आउट ऑफ द मनी को बाई करना होगा। तो हमने निकाल ली बैंक निफ्टी नवंबर 37,400 की कॉल, तो हम इसको बाई कर देते हैं। लेकिन ये अभी भी रिक्वायर मार्जिन 1,48,000 शो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब हमें ये जो बाई वाली पोजीशन है वो ऊपर रखनी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। ये हमें ऊपर रखनी होती है, और ये तो ये देखिए दोस्तों, रिक्वायर मार्जिन ओनली 21,406 रुपये और फाइनल मार्जिन ओनली 19,497 रुपये। मतलब कि हमारे डीमेट में 21,406 रुपये होने चाहिए और फाइनल मार्जिन 19,797 हो गया। तो हम अब ऑप्शन सेलिंग ओनली 21,500 में यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जो हमारी सेल की पोजीशन है सबसे पहले हमें उसे काटनी है, बाद में बाई वाली पोजीशन को काटनी है। नहीं तो अगर आपने पहले बाई वाली पोजीशन को काट दिया तो आपकी सेल वाली पोजीशन वहीं पर खड़ी रह जाएगी और आपको पूरा 1,50,000 रुपये मार्जिन मेंटेन रखना होगा अपने डीमेट अकाउंट। इस चीज़ को दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें सेल वाली पोजीशन को काटना है, बाद में बाई वाली पोजीशन को काटना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सेल वाली पोजीशन वहीं पे खड़ी रह जाएगी और ब्रोकर की तरफ से आपको कुछ पेनल्टी भी लग सकती है। हालांकि पेनल्टी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन हमें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है। और दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग के भी कुछ अपने फ़ायदे हैं और ऑप्शन बाइंग के भी कुछ अपने फ़ायदे हैं। मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता देता हूं। देखो दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग में होता है क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज भी हो गई, एक रेंज बोंड में काम कर रही है, तो वहाँ पर हमें प्रीमियम खाने को मिलते हैं, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट नहीं होता। लेकिन अगर हम वहाँ पे बाइंग साइड पे खड़े हैं तो वहाँ पे हमारे प्रीमियम कम होने की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ओके, और एक सेकंड बेनिफिट्स ये है कि ऑप्शन सेलिंग्स का, आज जैसे कि थर्सडे एक्सपायरी है, जितने भी आउट ऑफ द मनी होती है वे हमारी ज़ीरो हो जाती है। मानने के बाद हमने कोई स्ट्राइक प्राइस ली और उसका प्रीमियम है 30 रुपये का आउट ऑफ द मनी, तो जो आउट ऑफ द मनी है वो 3:30 बजे के आसपास आके वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पे देखिए 0.5 सभी स्ट्राइक प्राइस ज़ीरो हो चुकी है। तो ये कुछ ऑप्शन सेलिंग्स के बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप दोस्तों जरोधा में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसके थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।